मैं दोषी हूँ, मेरी शिकायतों में सत्यता न हो तो शासन प्रशासन मुझसे पूर्व में ही लिखित ले ले कि मेरे ऊपर जो भी कार्यवाही होगी मुझे स्वीकार। जो फर्जी तरीके से दस्तावेज एकत्रित करके कंप्यूटर में फीड करा के धान बेचे और उसके बाद उसका राशि आरित किए और उसका परिणाम ये हुआ कि 3200 क्विंटल का अमलिया समिति में घोटाला। वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत से जो शासन की गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, नियमावली के विरुद्ध जाकर जो समितियां 50% से ऊपर में 10 बीघे या 5 एकड़ से ऊपर नहीं है लेकिन 27-27-33 एकड़ की फीडिंग करा के धान विक्रय किया गया है, तो जब जांच में ये सिद्ध हो रहा है तो फिर उन किसानों के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं। पोर्टल में उसमें समितियों में जो एक नियम है कि आप 50% से अगर ऊपर शॉर्टेज में हैं तो आपको दोबारा खरीदी केंद्र का कार्य नहीं दिया जाएगा। शॉर्टेज नमस्कार, मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी आज बैठा हूँ ग्राम अमलिया में और यहाँ हमारी मुलाकात हुई किसान संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष ललित मिश्र से। जो सोसाइटी में व्याप्त भ्रष्टाचार या कि ये कह लें कि सहकारिता में व्याप्त भ्रष्टाचार से लंबे समय से एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनमें आए दिन उन्होंने कई जिम्मेदार अधिकारियों को दोषी भी साबित करवाया लेकिन आज भी समस्या जस की तस। आइए हम सीधे उनसे बात करते हैं और जानते हैं। कल उन्होंने ज्ञापन दिया था, कल आपने शायद ज्ञापन दिया था कलेक्टर महोदय को, तो किस परिप्रेक्ष्य में क्या ज्ञापन था? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ज्ञापन हम लगातार जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसमें कुछ बिंदुओं पर तो कार्यवाही हुई लेकिन पुनः वरिष्ठ अधिकारियों की मिली भगत से जो शासन की गाइडलाइन है, जो दिशा निर्देश है, नियमावली के विरुद्ध जा करके जो समितियां 50% से ऊपर में खरीदी केंद्र में शॉर्टेज भ्रष्टाचार करके शॉर्टेज में जो गेहूं खरीदी हो या धान खरीदी हो उनमें व्यापक तरीके से भ्रष्टाचार करके, ये 50% शॉर्टेज क्या है? 50% शॉर्टेज ये है कि जो खरीदी केंद्र होता है, जो खरीदी की जाती है, पूर्व में जो खरीदी की गई है उसमें जो मात्रा दिखाई गई है पोर्टल में उसमें समितियों में जो एक नियम है कि आप 50% से अगर ऊपर शॉर्टेज में हैं तो आपको दोबारा खरीदी केंद्र का कार्य नहीं दिया जाएगा। शॉर्टेज का अर्थ भी मैं आपको बताता हूं कि जो समितियों को लाभ मिलता है उस लाभ को स्वयं सहकारिता विभाग के जो वरिष्ठ अधिकारी जैसे समिति प्रबंधक हो गए और अब तो ऐसा भी है कि नियमित तरीके से समिति प्रबंधकों का प्रभार मनमानी तरीके से दिया जा रहा है तो वो लोग अपने स्वयं के लाभ लेने के लिए समितियों को समाप्त करने की जो साजिश चल रही है सहकारिता विभाग के अधिकारियों को उसी का मेरे द्वारा विरोध किया गया और मैं कल अपर कलेक्टर श्री शैलेंद्र सिंह से मिल करके इन सभी बातों पर चर्चा किया। जो पोर्टल में फीड हैं 4-5 समितियां मेरी निगाह में हैं, जैसे सेवा सहकारी समिति रायपुर हो गई, सेवा सहकारी समिति सुहागी हो गई, सेवा सहकारी समिति सोहरवा हो गई, सेवा सहकारी समिति उठला हो गई और सेवा सहकारी समिति अमलिया हो गई। ऐसे 4-5 समितियों का जिसका मेरे पास दस्तावेज भी है, हमने सारे दस्तावेज लगा करके शैलेंद्र सिंह अपर कलेक्टर महोदय को मैं ज्ञापन दिया हूँ और उस ज्ञापन में तत्काल में मेरे समस्त बिंदुओं को पढ़ करके उन्होंने 2 GSO को की टीम बना करके सुभाष द्विवेदी एवं सुश्री वंदना जैन को उन्होंने टीम बना करके तुरंत उनको मेरा पत्र जो है अंतरित करवाया है और ये भी आश्वासन उनके द्वारा दिया गया है कि मैं इनकी जांच कराऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन समितियों के प्रभारी, पहली बात तो नियम विरुद्ध तरीके से उनको खरीदी केंद्र का पंजीयन दिया गया शॉर्टेज होने के बाद भी खड़यंत्र पूर्वक, जबकि नियम ये है कि जो शॉर्टेज है उतना पैसे की DD जमा कराने के बाद ही उन समितियों को खरीदी केंद्र का कार्य दिया जाए, परंतु ऐसा शासन द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया, न DD जमा कराई गई न पैसा जमा कराया गया और खड़यंत्र पूर्वक दस्तावेज तैयार करके समितियों से अनैतिक लाभ लेकर के वरिष्ठ अधिकारी की मिलीभगत से उन्हें पंजीयन का कार्य दिया गया, उसके बाद अब खरीदी केंद्र का भी कार्य दिया जा रहा है। उदाहरण के लिए मेरे द्वारा पूर्व में शिकायत की गई थी सोहरवा और रायपुर और सुहागी की एवं अन्य समितियों की,
नियम विरुद्ध तरीके से। मैं दो समितियों का जो उद्यत विक्रेता है, जो पूर्व में नियमावली के तहत उनको पद से पृथक किया गया, परंतु खड़ियंद पूर्वक दस्तावेज तैयार करके उद्यत विक्रेता को किसी भी समिति का प्रभारी नहीं बनाया जाए, ऐसा शासन मध्य प्रदेश शासन का नियम है। और क्योंकि वो अवैतनिक कर्मचारी थे, उन्हें पूर्व में ही निकाल दिया जा चुका था, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास में है। परंतु खड़ियंद पूर्वक एक प्रशासक यहाँ हुआ करते थे नीलेश पांडे जी, उनकी सह पर और DR जो शुक्ला जी इस समय पर हैं, उनकी मिलीभगत से अनैतिक लाभ लेकर के उन्हें प्रभारी बनाया गया। फिर उनको खरीदी का कार्य दिया गया। पूर्व में जो खरीदी दी गई उसमें उनके सोहरबा और सोहागी में उद्यत विक्रेताओं के द्वारा 80% से ऊपर की 0.80 से ऊपर की शॉर्टेज दर्शाई गई है, लेकिन उसके बाद भी सरकार के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पुनः उन्हें पंजीयन केंद्र बनाया गया। सबसे बड़ी बात सेवा सहकारी समिति मिलिया की, सेवा सहकारी समिति मिलिया में श्री सुक्रमण प्रसाद मिश्रा समिति प्रबंधक थे, 3200 क्विंटल का घोटाला हुआ और 3200 क्विंटल घोटाले में वो दोषी पाए गए, हाईकोर्ट से जमानत पर है। उसके बाद लोकायुक्त का छापा पड़ा, लोकायुक्त के छापा में पिस्टल बरामद हुई, उस पर भी वो हाईकोर्ट से जमानत पर। उसके बाद जांच हुई, जांच होने के बाद नियम विरुद्ध तरीके की नियुक्ति जो हमने शिकायत किया था उस पर भी जांच सिद्ध हुई और उस पर दो विक्रेता और एक सहायक समिति प्रबंधक को पद से पृथक करने का आदेश जारी हुआ। उसके बाद मैं लगातार जो भ्रष्टाचार है ये आपको लगातार बता रहा हूँ, इसीलिए उसके बाद श्री सुक्रमण प्रसाद मिश्रा को सबसे बड़ी बात EML साकेत द्वारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर यहाँ नियुक्त थे उनके ऊपर बिंदु क्रमांक 6 में अपने जांच प्रतिवेदन में EML साकेत जांच अधिकारी द्वारा लिखा गया है कि फीडिंग में श्री अरविंद मिश्रा डाटा एंट्री ऑपरेटर दोषी है, परंतु उनके ऊपर कार्यवाही नहीं होती है और उन्हें खरीदी केंद्र पूर्व में धान खरीदी केंद्र में एक बजरंगवली समूह था उसको अमिलिया खरीदी केंद्र मिला, फिर उसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, और एक तरफ समिति प्रबंधक के बयान पर डाटा एंट्री ऑपरेटर को दोषी सिद्ध कर रहा है प्रशासन पर कार्यवाही नहीं होती है, और ये दूसरी तरफ डाटा एंट्री ऑपरेटर के आरोप पर श्री सुक्रमण प्रसाद मिश्रा को आरोपी बनाया जा रहा है, और उसके बाद दोनों को पुनः उसी खेल में उसी भ्रष्टाचार के खेल का प्रभारी बनाया जा रहा है और अमिलिया को पुनः खरीदी केंद्र दिया। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि अगर आपको भ्रष्टाचार ही कराना है तो खुले बाजार में क्यों नहीं, ये समितियों को तोड़ क्यों नहीं दिया जाता? अगर शासन के नियमों की धज्जियां उड़ा करके ही आपको कार्य करना है, जो नियमावली बनी है उसके विपरीत जाके ही काम करना है, तो फिर क्यों ये सब जो है दिखावापन, क्यों किसानों के साथ छलावा कर रहे हैं? और लगातार मैं शिकायत कर रहा हूँ और लगातार शिकायतों में कुछ में जांच हुई। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ जो फीडिंग हुई थी जिसकी अभी आपसे मैं चर्चा किया हूँ, सुक्रमण प्रसाद मिश्रा के घर में मैं सब चैलेंज पूर्वक शपथ पत्र जमा किया हूँ कि मेरी शिकायत में अगर सत्यता न हो तो शासन मेरे ऊपर कार्यवाही करे, और सिद्ध भी हुआ। तो हमारा कहने का मतलब यह है कि जिस किसान उनके घर में ही अपने माता पिता भाई और चाची और अपने सगे फूफा के नाम जो फीडिंग कराई गई है, उनके पास 5 बीघे 10 बीघे या 5 एकड़ से ऊपर नहीं है, लेकिन 27-33 एकड़ की फीडिंग करा के धान विक्रय किया गया है, तो जब जांच में ये सिद्ध हो रहा है तो फिर उन किसानों के ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं, जो फर्जी तरीके से दस्तावेज एकत्रित करके कंप्यूटर में फीड करा के धान बेचे और उसके बाद उसका राशि भी आरित किए और उसका परिणाम ये हुआ कि 3200 क्विंटल का अमिलिया समिति में घोटाला हो, उसका पर्दाफाश हुआ। उसके बाद भी अभी भी जिले का प्रशासन मौन है, और मैं कल सिर्फ इसीलिए अपर कलेक्टर महोदय शैलेंद्र सिंह जी से मिल करके ये कहा हूँ कि माननीय जी, अगर मेरी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराई जाए और शिकायतों में सत्यता न पाई जाए तो मेरे ऊपर कार्यवाही की जाए, तो निश्चित तौर पर शैलेंद्र सिंह जी के द्वारा मुझे आश्वासन दिया गया है कि 2 से 3 दिन के अंदर मैं इसकी जाँच कराता हूँ। और जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि उसमें लिखा भी गया है JSO श्री द्विवेदी, JSO श्री वंदना जैन, बिंदु क्रमांक 2 पर ध्यान दें। इसी तरह से ये दोनों ज्ञापन में उन्होंने टीप भी लगाई है। टीप लगाने के बाद उन्होंने दोनों अधिकारियों को मेरे सामने बोला भी है कि आप इसकी जांच करके तत्काल दें, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि दागी समितियां जो हैं, जो शॉर्टेज में हैं, उन समितियों को खरीदी केंद्र बनाने से पहले उनसे FD जमा करवाई जाएगी। अगर FD नहीं जमा करते हैं उस राशि के, तो निश्चित तौर पर ये खरीदी केंद्र नहीं बनेगा। जैसे आपने एक बात बताई कि
अपने रिश्तेदारों की फीडिंग करवाते हैं, 5-10 बीघे जमीन है और फीडिंग हो जाती है 10-20 एकड़ की, तो ये इतनी आपूर्ति देंगे कहाँ से धान की? आदरणी, जब 3200 क्विंटल का घोटाला कहाँ से हुआ, जब ये धान यूपी से ला करके आप, ये सिद्ध हो चुका है पहले की जांच में, और उसमें जांच प्रतिवेदन में जांच अधिकारी एमएल साकेत ने कहा है कि हाँ फर्जी फीडिंग हुई है। तो फर्जी फीडिंग किसकी हुई है, मैंने जो आरोप लगाया था, सुक्रमण प्रसाद मिश्रा क्यों जवाब नहीं दे पाए कि मेरे पास जमीन है? अगर जमीन थी नहीं थी तो उस जमीन पर धान आपने कहां से बेचा, गेहूं आपने कहां से बेचा, और वो राशि आपके जो खाते में गई वो उसको किसने लिया? तो सबसे बड़ा तो जो अपराधी है वो किसान ने है, ठीक है कंप्यूटर ऑपरेटर ने फीड किया गलत, पर राशि जो धान गेहूं की आई वो तो किसान के खाते में आई। और जो किसान इस तरह के कुकृत कूट रचना करके इस तरह से कार्य कर रहे हैं, यूपी से धान ला करके फर्जी फीड करा के और उसके बाद शासन की निगाह में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, इसी तरह से 3200 क्विंटल का ये घोटाला हो जा रहा है। अच्छा, जो आपने जिन समितियों के नाम लिए तो ये क्या सभी दागी समितियां हैं? सभी दागी समितियां हैं। दूसरी चीज आपको बता देना चाहता हूँ कि जितने लोग प्रभारी समय पर हैं सब नियम विरुद्ध नियुक्ति के तहत है। जैसे रायपुर में प्रकाश नारायण भूरतिया है, वो उनकी नियुक्ति एक ही व्यक्ति की दो पदों पर नियुक्ति, उनके सगे चाचा भरतलाल भूरतिया समिति प्रबंधक थे और अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एक ही व्यक्ति का दो पदों पर नियुक्ति करना, उसका भी मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, उसका भी हमने प्रस्तुत किया है सारे डॉक्यूमेंट्स वरिष्ठ अधिकारियों तक। प्रकाश नारायण भूरतिया पहले कंप्यूटर ऑपरेटर थे जो ऑनलाइन फीडिंग में आज भी प्रदर्शित हो रहा है पोर्टल पे, और आज सहायक समिति प्रबंधक, एक ही व्यक्ति दो पदों पर कैसे, और दोनों वेतन भोगी, दोनों वेतन भोगी है, दोनों वेतन भोगी। इसी तरह से ये फर्जी नियुक्ति, और आज प्रभारी बन बैठे हैं, खरीदी केंद्र प्रभारी भी, पंजीयन केंद्र प्रभारी थे और खरीदी केंद्र प्रभारी भी बनने की कगार पर लगे हैं। उसके बाद जो हमने सुहागी की बात की, वो उद्धत विक्रेता है, उनको पूर्व में निकाला जा चुका है, उसके डॉक्यूमेंट भी मेरे पास हैं, मैं सम्मिलित किया हूँ जांच रिपोर्ट वो आवेदन के साथ। उसके बाद सोहरबा की ले लीजिए, वो भी उद्धत विक्रेता है, और कुठिला का ले लीजिए, कुठिला में नियम विरुद्ध तरीके से समिति प्रबंधक का प्रभार जिसे लेना चाहिए उसके पास आर्थिक शक्ति नहीं थी अधिकारियों को खुश करने के लिए, तो उस व्यक्ति को प्रभार में दे करके जिन लोगों ने आर्थिक मदद की, आर्थिक माने जो चढ़ावा चढ़ाया, उन लोगों को नियम विरुद्ध तरीके से उनको खरीदी केंद्र का माने समिति का प्रभार दिया गया। इस तरह से कार्य हो रहे हैं। मैं तो शासन प्रशासन से आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से यह मांग करता हूं कि हमारी संपूर्ण शिकायतों की जांच निष्पक्ष करा ली जाए, अगर मैं दोषी हूं, मेरी शिकायतों में सत्यता न हो, तो शासन प्रशासन मुझसे पूर्व में ही लिखित ले ले कि मेरे ऊपर जो भी कार्यवाही होगी मुझे स्वीकार। ये है किसान की हकीकत। सरकारें हमेशा ये कहती आई हैं कि किसान हितैषी हैं और बनने का एक प्रयास भी सरकार द्वारा समय समय पर किया जाता है, लेकिन जमीन पर हकीकत क्या है वो सभी आपके सामने है। मैं इनकी कही गई बातों का समर्थन तो नहीं करता, पर यकीनन इस पे जांच का विषय बनता है, जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हों उनको इस सिस्टम से बाहर किया जाना चाहिए। मैं ब्रह्मानंद त्रिपाठी, द खबरदार न्यूज के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।